नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप से एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। दुष्कर्म का यह आरोप जबलपुर के मझौली थाने में पदस्थ रीवा निवासी आरक्षक पर लगा है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ सूर्य से कोचिंग में ले जाता था, और इसके बाद फिर वो मुझे कैमरे में अपने दीदी के यहाँ ले गया, मेरे साथ गलत किया और गांव में भी किया, और बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है, हो गया, मैं ऐसा गलत नहीं करूंगी। बोलता है कि मैं तुमको अपने पत्नी बनाऊंगी। मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, अब पत्नी बनाने का समय आ गया, तो वो बोलता है हम तुमको नहीं रखेंगे। क्या कहता है? बोलता है मैं तुमको नहीं रखूंगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, बोलता है कि नहीं रखूंगा। तो आपको कहाँ कहाँ ले गया था? वो अपने रूम में अपने वहाँ ले गया था, जबलपुर जहाँ रहता है, एमपी पुलिस में है, मझौली थाना में। क्या नाम है उसका? अजय साकेत। तो आपको ये बता रहे हैं, शायद ये जानकारी मिले कि स्टाम्प में उसने दिखा है कि हमने शादी कर ली है, ऐसा वैसा कुछ? हाँ, वो नोटरी करवाए हैं दिखावे खातिर, करवाए हैं, अब ले जाना नहीं चाहते, बोलते हैं मैं नहीं ले जाऊंगा। तो आपने शिकायत की कहाँ कहाँ की है? महिला थाना में किए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, फिर हर जगह आवेदन लगाई हूँ तो उसमें भी नहीं हो रही थी। फिर अभी IG सर के पास गए थे और 181 में फोन लगाए थे, उसमें से हो गया, अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर पहले तो दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो महिला थाने में आरक्षक के विरुद्ध धारा 376 का अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल यह मामला रीवा के महिला थाने का है, जहां जबलपुर के मझौली थाने में पदस्थ आरक्षक बैकुंठपुर निवासी अजय कुमार साकेत के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया है। आरक्षक के विरुद्ध दर्ज हुए प्रकरण के संबंध में ASP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एक युवती द्वारा आरक्षक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की गई थी। बताया गया कि आरक्षक अजय कुमार साकेत निवासी बैकुंठपुर जबलपुर के मझौली थाने में पदस्थ है। आरक्षक पर युवती द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। पूर्व में पुलिस ने मामले में दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरक्षक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पीड़ित युवती ने बताया कि बीते 3 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरक्षक ने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, और जब बात शादी की आई तो वह अपने वादे से मुकर गया। इधर मामला दर्ज होते ही आरक्षक जबलपुर के मझौली थाने में 2 महीने की सिक लेकर नदारद हो गया है। पुलिस ने आरक्षक की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला है, 26 साल उम्र है उसकी, उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है कल। एक कांस्टेबल है अजय साकेत, 26 साल उसकी भी उम्र है। ये दोनों लगभग 5-6 साल से रिलेशन में थे, और एक खिलाफनामा भी पेश किया है लड़की ने, जिसमें उसका कहना है कि ये प्रभाव दबाव में आकर उसने लिखा है, उसमें एक दूसरे के साथ शादी करने की बात का उल्लेख है। लड़की ने अभी पहले शिकायत की थी, क्योंकि मामला बड़ा क्लोज था, लड़का लड़की एक दूसरे के रिश्तेदार भी लगते हैं, साथ ही परिवार परामर्श केंद्र में उनको बुला के समझाए देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। 2 तारीख को जब पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करने की बात कही थी, तो महिला ने ये लिख के दे दिया था कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। बाद में वो जब कल उपस्थित हुई और वो लड़का बुलाए जाने के बाद भी थाने पे नहीं आया, तो फिर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। पुलिस ने पता लगाया कि लड़का कहाँ है, तो मालूम चल रहा है कि 28/12 से वो जो लड़का है वो सिक डाल के ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। संबंधित थाने से जानकारी ली गई है, मझौली थाने से जानकारी ली गई है। इस संबंध में लड़का ड्यूटी पर नहीं है, सिक पर है। तलाश किए जाने के लिए कुछ आगे प्रक्रिया सर बता दिए हम? हाँ, संबंधित पुलिस जो है वो खबर करेंगे, और यहाँ की पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें उसको आगे की जो प्रक्रिया विवेचना की वो करके उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसके लिए कार्रवाई करें।